कीजिए हरमन व्लॉग्स को एंड हिट द बेल आइकन। हेलो दोस्तों, मैं आपका हम लोग आ चुका है का न्यू फ्रेश व्लॉग लेकर। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। कैसे हो आप सारे? मैं बहुत बढ़िया। आज आप सोच रहे हो हरमन भाई आप मतलब कुछ एक्साइटमेंट सी लग रही है आपके चेहरे पे, क्या है वो? वो ये है गाइस, आज मैं जा रहा हूँ मेरठ। अब आप सोचोगे मेरठ क्या करने जा रहे हो भाई? मेरा वहाँ पर मतलब लाइक पिंड पिंड कहते हैं ना, मेरा पिंड है, मतलब वहाँ पर सारे रिलेटिव हैं। तो मैं पापा और दादाजी जा रहे हैं, सब जल्दी से चलते हैं। सुबह का टाइम हो चुका है 10, जल्दी से निकलते हैं, लेट्स गो। अब पूरा रास्ते में दिखाऊंगा गाइस, मतलब कहाँ कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, जो भी होएगा। लेट्स गो लेट्स गो। गाइस हमारा फर्स्ट स्टॉप आ चुका है, देखो मतलब पेट्रोल पंप का है, पेट्रोल भरवा रहे हैं। और ये जो स्टिकर था ना, ये देख रहे हो अब, लंग दी लंगाला, ये मैंने लगा लिया था कल रात को ही, क्योंकि ये अच्छा लगता है। ये मतलब इसीलिए लगाया कि ये नहीं कि कोई हमसे आके रेस करे, ये इसीलिए लगाया अगर आपको साइड से हाँ मिलती है तो आप लगा लो, हम रेस रूस नहीं लगाएंगे, ये इसीलिए। देखो कितने का है, कितने 1000 का पवाया तेल। देखो यार गाड़ी ना यहाँ रोक दी हमने, यहाँ पर हम रुके हैं, देख लो ये श्री कृष्णा कुबेर, जगह पता नहीं कौन सी पड़ती है। अंकल कौन सी जगह पड़ती है? अच्छा मेयर रोड, ठीक है यहाँ पर देखते हैं क्या मंगवाते हैं हम। ना मूविंग रोड है, इतना मतलब धूल उड़ रही है ना, क्योंकि बिल्कुल देखो रोड है ना मेरठ वाली, बताया जैसे कि। और ये खड़ी अपनी कार। तो जी हम पहुंच चुके हैं राजनगर एक्सटेंशन। देखो मेरठ कितनी दूर है पापा यहाँ से? रोड ना पहले होती थी इतनी मतलब थोड़ी सी ना बम्स वाली होती थी खराब, क्यों पापा? अब ये थोड़ी सी ठीक हो गई, वरना तो इतने गड्ढे होते थे सड़क पे। चलिए अच्छी बात है। देखो यहाँ पर हमने गए थे अपना स्टॉप लिया जैन शिकंजी पे, कार वो खड़ी यार। यहाँ जैन शिकंजी पे ना हम जब भी मतलब शुरू से जब भी मेरठ जाते हैं यहीं रुकते हैं। एंड द टाइम इज देख लो 1:10 और निकले हम 10 बजे के हुए घर से, बहुत देर लग गई। यहाँ से 19 किलोमीटर है मेरठ, सोचा था एक्सप्रेस वे से चलते हैं, बट हमने कहा जैन शिकंजी पे रुकना है तो वापसी एक्सप्रेस वे से चलते हैं। तो यार ऑर्डर दे दिए राजमा चावल। ग्लास दे देना, शिकंजी बनाओगे भैया? अच्छा भैया कितने देर लगती है बनने में? 10 मिनट 10 मिनट कह रहे हैं। देखो क्योंकि यार जैन शिकंजी है तो पापा ने कहा ये तो यहाँ पी लेते हैं, आगे कुछ और मिलता है नहीं ढंग का, तो इसीलिए। यार सारा फूड आ चुका है, मैंने अपने लिए मंगाए थे राजमा चावल, प्याज, पकौड़े किस मिक्स हैं, क्या क्या है ये क्या पालक है, पनीर है, पालक है, पनीर। तो मेरठ पहुंच चुके हैं देखो, और अब हम जा रहे हैं रॉन्ग साइड जो होते हैं ना, तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है अब रॉन्ग साइड मत आया करो। देखो यार दिक्कत हो रही है ना बहुत ज़्यादा, और है भी इतनी नैरो रोड ना। अब हम आ चुके हैं, अब अपने घर जा रहे हैं, सूट केस पकड़ा हुआ है, मतलब यहाँ आके ना अच्छा लगता है अलग से। हाय बोल दो। पापा ने भी सामान उठाया हुआ है, मैंने भी बहुत सारा सामान उठाया हुआ है, मोड़ों पे दोनों लोड किया हुआ है, बहुत भारी भारी हो रहा है। चलो चलते हैं, गाड़ी ना भारी लगा दी थी जो रेलवे स्टेशन है ना मेरठ गेंट का, उधर ही। देखो जी गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा साहब पिंड विच कैसे वीडियो बन रहा है? लाइव नहीं यूट्यूब पे जाएगा? हाँ यूट्यूब पे बढ़िया। हाँ बढ़िया साडा घर है। देखो जी बहुत ना पुराना जहा बने हुए, देखो बहुत चंगा लगता है, घुस गए मतलब थक गए ना
टाइम हो चुका है 2:32। कैसे हो? बढ़िया। तो यार चलो अपना हाउस टूर देता हूँ मैं अपना मेरठ वाले का। देखो सबसे पहले गेट, ओहो इसको जरा बंद कर लेता हूँ। ये भी देखो यार, मतलब पूरा पुराने टाइम वाला देसी लॉक। ये देखो लॉक, रात को उस पर कुंडी लगा दिया, ऐसे लग गई। उसके बाद ये अंदर आंटी, ठीक हो? ठीक हो? देखो जी कमरा और नलका टाइप है हाथ धोने के लिए। किचन अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले किचन से शुरू करते हैं। ये देखो जी कॉम्पैक्ट सी किचन, बहुत चूल्हा, बोतलां, सिलेंडर सही है मतलब अपना। ये सब बिना मतलब अब तो मॉडर्न किचन आ गई हैं, तो ये सब हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, बट यहाँ हमारे पास ये सब है। देखो ये थोड़ा सा स्टोर रूम टाइप है, देखो यहाँ सामान भी रखा हुआ है पुराना। ये देखो ये बैट ना मेरा है, ये आपको आपको तो खैर नहीं पता, ये जब मैं क्रिकेट कोचिंग जाता था ना, मैं यहाँ बहुत लेके आता था, वहाँ से ना मैं अपना बैटिंग करता था, गेट को विकेट बना के यहाँ से सिमरदी बॉलिंग करती थी। तो यार ये ना यहीं छूट गया था मेरा, देखो और इतना लाल हुआ हुआ ना, लेदर बॉल से छक्के मारे थे। ये वाला अभी लॉक हुआ हुआ रूम, यहाँ भी रूम है, चार पही पही है मंजी, मतलब यहाँ भी ना मतलब हम लेटते हैं रात को अक्सर। ये भी बेड है, यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, खोल देते हैं, ये भी स्टोर रूम बना हुआ है, सारा सामान पड़ा हुआ है। और क्या देखोगे यार, यहाँ पर है वॉशरूम नहाने के लिए, देख रहे हो कितना कॉम्पैक्ट सा है। यहाँ समझ जाओ क्या करना होता है, समझ रहे हो ना, वही वॉशरूम। छत पे लेके चलता हूँ आपको। और जो गाइस महेंद्र आंटी है ना नीचे, वो कह रही है अरमन छत पे मत जाओ, तुम्हें लू लग जाएगी, बहुत तेज की धूप है। मतलब यहाँ ना गुड़ियाँ बहुत उड़ाते हैं, गुड़ियाँ मतलब पतंग, जिसको नहीं पता, बहुत उड़ाई है पतंग यहाँ। देखो ये है गुरुद्वारा साहिब, ठीक है, ये पीछे दीवार लगती है निशान, झूलते निशान, वो भी गुरुद्वारा साहिब है। घर देखो, साढ़ी दीवार लगती है सवेरे ना, पाठ जब होता है फिर हमारे साउंड आवाज़ आती है पूरी, देख रहे हो दीवारा, पूरा जो पिंड होंगे ना थले, बुलट खड़ा है साढ़े ही है रिश्तेदारा का थले, हम उतों देख लो जी कैवे लगता है, जो मैं सारा दिखाया ना अपना वेड़ा, वो ऐ है उतों देखो। ये यहाँ से मैं आपको दिखाया था ना, चढ़ के गया तो छत, यहाँ से ये छत पे आ गए जी, वो हो गया वॉशरूम है ना, आंदा सारा स्टोर रूम वगैरह। देखो जी टैंकी, ईंटा पड़ी हुई हैं, घर की जगह एंट्रेंस दिखाई थी मैंने आपको, वो ये वाली गली है। देखो महेंद्र आंटी ने सही कहा था कि नीचे आ जाओ, गर्मी है, पसीने आ गए, देखो 2 मिनट में। यहाँ भी एक रूम है, मतलब जब हम सारे आते हैं यहाँ रुकते हैं, कुछ नीचे होते हैं मंजी पे, कुछ ऊपर होते हैं। और ये रास्ता है गाइस नीचे जाने का, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, मतलब नीचे दूसरे पोर्शन में चला जाएगा। और ये गुरुद्वारे की दीवार है पीछे, देखो पूरी गुरुद्वारे की दीवार, तो बहुत सही है मतलब गुरुद्वारा लगता है हमारे यहाँ। गर्मी बतेरी हो रही थी, मैं क्या गर्मी बतेरी सी उत्थे, बहुत गर्मी पै रही है, मैं कोठे करने गया है, बड़ी धूप चढ़ी है, मैं वीडियो बनानी थी, हैं वीडियो बनानी थी, हो गया सी तू, हां हाय राम आने में धूप बेटा, पसीने देख ना मुंह ते, शाम में चल जाऊंगा। हां हां चलो तुसी रेस्ट करो गाइस, अभी ना मतलब नुकसान हो चुका है, तो अब वो नेक्स्ट व्लॉग में देखना, महेंद्र आंटी भी हंस रही है अपना फुल, और वो नुकसान क्या हुआ है मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, तो उसके लिए रहना स्टे ट्यून्ड, ठीक है, तो देखना क्या हुआ है। तो यार इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, होप करता हूँ मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपको पूरी दिल्ली टू मेरठ की जर्नी दिखाई, बता देना कमेंट सेक्शन में कैसा था। अब मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स आ चुके हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग से सबसे मिलवाऊंगा। और इसी के साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना आईडी ऑन द स्क्रीन, क्योंकि मैं वहाँ इसीलिए कहता हूँ फॉलो कर लिया, क्योंकि पहले आपको अपडेट मिल जाती है मैं क्या कहाँ जा रहा हूँ, क्या क्या खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, वो सब। आईडी इज ऑन द स्क्रीन, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का। मिलते हैं आपको अनदर मेरे ब्लॉग के साथ, अपने गुड बाय, थैंक्स वॉचिंग, लेट्स गो।
many thoughts on my mind. I can't sleep at night, so I just keep writing.